क्षमा और कड़वाहट। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। उसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं।